राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। पॉजिटिव सेंस में कही गई इस बात को कुछ लोगों ने नेगेटिव सेंस में ले लिया और असल में लूट मचा रखी है। हम बात कर रहे हैं साइबर ठगों की। इधर राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख और दिन तय हुआ, उधर लुटेरे एक्टिव हो गए। कमाल बात यह है कि लोगों को ठगने का कोई एक तरीका नहीं है। वीआईपी दर्शन, दान और प्रसाद के नाम पर लोगों की जेब पर डकैती डाली जा रही है। राम का नाम लेकर होने वाली ऐसी साइबर ठगी कहीं आपके साथ न हो जाए, इसलिए जान लीजिए कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के लिए जो QR कोड आ रहा है, VIP आमंत्रण के लिए जो WhatsApp लिंक आ रहा है और प्रसाद के लिए जो उपाय बताए जा रहे हैं, सब फर्जीवाड़ा है। एक एक करके आपको तीनों को समझाते हैं। पहले नंबर पर दान के लिए QR कोड। QR कोड से ठगी का तरीका तो काफी पुराना है, मगर इस बार इसको राम का नाम लेकर इस्तेमाल किया जा रहा है। दरअसल कई लोगों को राम मंदिर में दान के लिए QR कोड मिल रहे हैं, साथ में एक मैसेज कि ये सारा पैसा राम मंदिर ट्रस्ट को जाएगा। ट्रस्ट कीजिए, ये सारा पैसा ठगों के अकाउंट में जाएगा। ऐसा कोई कोड सरकार या राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से नहीं भेजा जा रहा है। नंबर दो, WhatsApp पर VIP आमंत्रण। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा है और अगर आपको VIP आमंत्रण चाहिए तो बस इस लिंक पर क्लिक करके ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ऐसा मैसेज भी कितने ही लोगों को आया है। जान लीजिए ये कोई ऐप नहीं है बल्कि APK फाइल है, एंड्रॉइड एप्लीकेशन पैकेज, मतलब आपके फोन में गूगल प्ले स्टोर से इत्र ऐप डाउनलोड करने का जुगाड़। अच्छी चीज है मगर देखभाल करके करना चाहिए, लेकिन यहाँ इसका इस्तेमाल फोन में मालवेयर इंस्टॉल करने के लिए हो रहा है। इधर क्लिक उधर फोन साइबर क्रिमिनल के कब्जे में, आगे क्या होगा वो ठग की मर्जी, इसलिए बच कर रहिए। नंबर तीन, राम मंदिर का प्रसाद फ्री में। ये कोई स्कैम नहीं बल्कि सोशल मीडिया के धुरंधरों का फैलाया हुआ रायता है। उम्मीद है कि इससे जुड़े कई वीडियो आपने अभी तक देख लिए होंगे। एक खादी ऑर्गेनिक नाम की वेबसाइट राम मंदिर का प्रसाद आपके घर तक पहुंचाएगी। आपको सिर्फ 51 रुपए का भुगतान करना है। आप चाहें तो वेबसाइट के अधिकृत अकाउंट से भी प्रसाद कलेक्ट कर सकते हैं। हालांकि ये एक भ्रामक जानकारी है और इसका मंदिर की वेबसाइट से कोई लेना देना नहीं है। वेबसाइट पर अबाउट सेक्शन में साफ साफ लिखा है कि इसका राम मंदिर के प्रसाद से कोई संबंध नहीं है। ये प्रसाद वेबसाइट का खुद का प्रोडक्ट है, इसलिए सोशल मीडिया पर दिख रहे वीडियो से दूर रहिए। हाँ, वेबसाइट का प्रसाद आपको लेना है या नहीं वो आपके विवेक पर है, तो सावधान रहिए और किसी भी जानकारी के लिए मंदिर की वेबसाइट पर विजिट कीजिए। तो दोस्तों, इस खबर पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और हमारे चैनल हिंदुस्तान पोस्ट को फॉलो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।